वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 24 करेंगे, जो क्लास 6 की और सब्जेक्ट हमारे इंग्लिश। ये वर्कशीट आपकी 29 सितंबर 2021 की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को ऑल बेल को प्रेस कर दीजिए, मेरे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन बहुत सबसे पहले मिल जाए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। थेंगो सम स्पेशल डेज आए वैन वह कुछ ऐसे स्पेशल डेज के बारे में बस सोचना है जब लोग पतंग उड़ाते। तो आपको बताने आपको ये सोच सकते हैं कि कब कब उड़ाते हैं। इंडिपेंडेंस डे मतलब 15 अगस्त, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति 14 जनवरी। और यहाँ पे आपको कलर करना है, ओके, यहाँ पे आपको कलर कर देना है अच्छा सा, ओके। तो हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर दिया, अमल की एक तरह का हमारे एक आइडिया के लिए था। अब ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ये कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए फिर अगर हम बस वो समझ लेते फिर हमें टोटल बहुत ईजी था। हमें यहाँ पे बॉक्स दिया गया, तो हमें देखना है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हमें देख कर इसे यहाँ भरना है, ये हमें कम्प्लीट करने है, ओके फ्रेंड्स। तो फर्स्ट देखिए, अ डैश अ काई लुक ब्राइट इन स्काई इन डिप एंड डिप्स अ पुल ऑफ, मतलब कि जो लोग से ब्राइट कौन सी काइट है, मतलब कि स्टार्टिंग में कैसे काइट काइट होती है, ब्राइट दिखती है स्काई में, इज एंड डेप्स एंड डेप्स। तो यहाँ न्यू काइट, तो आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे जो यहाँ पे फिल करना है न्यू, ओके, नंबर वन यहाँ नंबर वन डाल देना है न्यू, यहाँ साथ साथ लिख रही है नंबर वन यहाँ पे न्यू। नेक्स्ट देखिए इट पल्स नंबर वन, यहाँ पे हो गया नंबर वन, आपको ऐसे करके लेते हैं नंबर वन ये वाला आएगा। इट पुल्स स्ट्रिंग ऑफ फाइल्स लाइक फाइल्स, किस कंपेरिजन किया गया था कार्ट का, ये किस से होता है, इस शेप से, किस तरह ये किस तरह उड़ता है, इस शेप, यहाँ पे आप शेप पर लिख लेंगे, आप साथ ही साथ लिखेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, ओके। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब कर दो, ओके। द फाइन हेल्प रीच द मैक्सिकम, मतलब हेल्प करते हैं टू वाइड एंड रीच द मैक्सिकम, ठीक है। तो इसमें ये आप थर्ड ये मैक्सिकम हाइट, ओके, तो यहाँ पे कर देंगे। द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई ऑन द, मतलब राइट कहाँ रेस्ट करती है, एट द टॉप स्काई में, डैश होल तो यहाँ पे हो जाएगी, तो विंड फॉल्स तो यहाँ पर जाएगा विंड फॉल्स, नंबर फोर में यहाँ लिख लेंगे, ओके। यहाँ पे आप विंड फॉल्स यहाँ विंड फॉल आपको फोर्थ यहाँ लिख दिया भैया। यू विंड द डैश ऑफ काइट व्हेन इट स्लेक्स विद अ न्यू विंड, मतलब कि जो स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, जो स्ट्रिंग लूज हो जाती है, जो फ्लैक्स हो जाती है उसको क्या करते हैं, लपेट लेते, और यहाँ पर हो जाएगा नंबर पाँच पे स्ट्रिंग फिल कर देंगे, ओके। व्हेन अ न्यू विंड, मतलब क्या होती है, जब मान के जब न्यू विंड क्या करती है, यू अनविंड अगेन यहाँ पे फिल करेंगे नंबर सिक्स ब्लूज, और न्यू विंड फिल टू विंग द काइट विद काइट एयर इन गोज अप अगेन। तो मतलब की जो न्यू है वो की जो विंग्स में क्या क्या कर देती है, काइट के एयर फिल कर देती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बस वापस से उड़ जाती है, तो यहाँ पे सेवंथ लिख देंगे, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी ये नंबर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हमें क्या दिया गया है। मैच द वर्ड फ्रॉम द पोएम इन अ कॉलम ए टू देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो चलिए करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ऑफ क्रिस्ट ये हमारे कॉलम ए है, तो यहाँ थोड़ा धूल लिख के आप उसको ऊपर लिखना है कॉलम ए, यहाँ कॉलम बी, ओके। यहाँ पे देखिए अब क्रिस्ट क्या होता है, क्रिस्ट होता है मैक्सिमम या हाईएस्ट पॉइंट, बहुत ऊपर जाती है तो यहाँ द हाईएस्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए रेगेटर क्या होता है, द अगली मतलब कि भद्दा, मतलब कि फ्लैप्स, देखिए फ्लैप्स का क्या होता है, फ्लटर्स, फ्लैप्स क्या होता है, फ्लटर्स, ओके। स्लैक क्या होते हैं, लूज, ठीक है, स्लैक मतलब लूज, ये इस तरह से अब आप कॉलम ए और कॉलम बी में मैच कर लेंगे, ओके। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, रीड द फ्रॉम स्ट्रेंजर पोएम एंड आंसर क्वेश्चन, द फॉलो कंप्लीट सेंटेंस टेकिंग इन द हिंट्स प्रोवाइड। तो यहाँ पे क्या दिए गए, यहाँ पे स्ट्रेंजर दिए गए हैं,
यहाँ पे हमें अब पोयम का जो स्ट्रेंजर्स है यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है आपको इन सब को यहाँ आंसर आपको लिखने, और साथ में हमें हिंट भी हिंट है दिए हुए हैं। ओके स्ट्रेंजर दिया गया, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू ईस्ट का न्यू विट्स, यहाँ पे हम भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रिकॉर्ड रिकॉल करेंगे मल्कि जो काइट है वो न्यू काइट है, वो बहुत ब्राइट लगता है जब वो नया नया होता है स्काई में उड़ता हुआ। विद द डेप एंड डाई करता मतलब कि गोता हुआ मारता हुआ ऊपर आता हुआ, तो इट्स स्नेप्स इस टेल को लहला लहराता हुआ, और सोरमज राइज राइज सबकी तरह ऊपर उठता हुआ पतंगे उड़ रहा है। ओनली फॉर सेल सेल के शिप सेल सेल के साथ आगे बढ़ता है, वैसे ही कार्ड भी अपनी ऊपर की तरफ उड़ती है। ओके एज ऑफ द टाइड्स, जैसे आप यहाँ पे किसी कंपैरिजन का किया गया जिस शेप से कंपैरिजन किया गया, तो फिर हमें पहले पढ़ भी चुके हैं, देखेंगे क्वेश्चन आंसर दिए गए वेयर इज द काइट, वेयर जनरली काइट क्या है, चलिए करते हैं क्या आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ द काइट इज इन द स्काई तो यहाँ से लिख लेंगे, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए सोलर मीन्स राइज, और थर्ड देखिए ये कौन सा 1 2 5 क्वेश्चन दिए गए फ्रेंड्स हमको यहाँ टोटली, तो अभी हमने एक वाला कर लिया, चलिए अब सेकंड करते हैं। तो सोलर मीन्स राइज और थर्ड का क्वेश्चन आप भी कर लेंगे इसे देख, तो देखिए थर्ड का भी आंसर लिख लेंगे ड्यू टू द पावर ऑफ द विंड इन द काइट सोलर हाई। ओके क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हेन द विंड फॉल्स एंड द काइट सीम्स टू रेस्ट, अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करते हैं। तो देखिए राइमिंग लिखना ब्लू या न्यू लिख लेंगे, ब्लू और न्यू लिख देंगे, ब्लू का न्यू टाइड राइड्स राइमिंग लिख लेते हैं इनके, ब्लू डिप शेप टेल सेल टाइड्स राइड्स रेस्ट रेस्ट। ओके तो फ्रेंड्स आप यहाँ से कर लेंगे, तो फ्रेंड्स हमारी ये अच्छी वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके मैं टीचर्स जरूर चेक करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, मेरी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।